Hi, and welcome back to Grow with the Jan family. I'm Anjali. And today we're going to be reacting to a video on venomous cobra snake that kills 3 puppies in Odisha, India. So somebody sent us this lovely video, and I think mainly because, well, not that Anjali and I are not super emotional, because we are, so we're hoping to keep our tears in because we know it's sad. But you guys also know that we have 3 dogs, and you know, they're part of the family. And I know my husband has always told a story about the street dogs in India and how, you know, if you fed them enough, they would, you know, kind of hang around your house a lot. And then there were some that weren't so nice, and it seemed to be kind of a little bit of an issue. Now, he's been gone there for many years, so I don't know if street dogs are still a big issue in India, or, you know, was this somebody's more like a pet dog, even though it was kind of a street dog. I'm not really sure until we watch the video and see if we find out a little bit more. But yeah. The dogs here, at least our 3 dogs, are part of the family, and this would be, I mean, we don't even like to think of anything happening to them, even though, because I just cry. Yeah, they've had their little ups and downs. We've, you know, found some ticks on them, which is common here in the U.S. And we found, you know, once in a while they come in from playing really rough, and one of them is limping, and that worries us. You know, did they break a leg? Did they twist their wrist? Do we need to take them to the doctor, or is it just like, you know, like how we would do it? They're different. They're like babies. They can't really speak to you, you know, what's wrong. And yet, you know, you want to take care of them, yeah, like their family. So let's start up this video. You ready for it, Anji? Yeah. केतोटा कुकुर छथिले से 3टा छुआ आउर 2टा छुआ जो एईटी अछि बे छोण बगर अछि तमा से मादिन नगला मु से देखिली देखला जे त परिचित होते कोन फर भीतर बन जाली जीव मु से काले डॉग है ना हां मामा ओहो नॉर्मल होता तो मैं तो उसको निकाल देता वो मुंडी के तरफ से ये कर रहा था ना हाँ इतना तक गया और गया नहीं उसका बात तो यही बड़ा होता तो ले लेता वहीं भी रहता फिर इस तरह ना आए फिर उस तरफ जा रहा है। तो आप ये देख सक रहे हो डॉग की बच्चा कितनी माँ बच्चे को प्यार करती है। कोबरा स्नेक ने इसके 3 बच्चों को मार दिया। तो ये मालिक आपने क्या देखा इसे हाथ पकड़ लिया? उसको आधा मुंडी तक गिरा था। इस तरफ में घुमा, मैं सोचा कि उसको मार दूंगा। जब देखा मैं कोबरा तो तुमको बुलाया। तो ऑलरेडी वो 3 बच्चों को मार चुका था, बाइट कर दिया। और कितना ममता कर रही है अपने बच्चे से, जो कोबरा ने उसका 3 बच्चे को मार दिया। तो वो अगर बहुत दुख लग रहा है। बच्चे लाइए तो बच्चे सब लाइए तो पंडित जी। तो ऐसा सीन मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा हूँ, बहुत दिल दुख लग रहा है। तीनों बच्चों को ऑलरेडी बाइट कर दिया है, एक बच्चे को तो ऑलरेडी निगल रहा था, ये बच्चे को तो ये जो डॉग का जो मालिक है तो उन्होंने देखा, बड़ा अफसोस। अभी देखिए कोबरा मैं सांप निकाल रहा हूँ, अब इसको लेके ले जाता हूँ, अभी रखो भाई ये हम लोग का कोई टेंशन नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं। आप देखिए एक कोबरा सांप इसके अंदर में बैठा हुआ है, दिखा निकला बात हो गया उसका छुट्टी हो गई। आप पकड़ लिया मतलब जाना बाबा हाँ देखो बाइट जैसा नहीं हुआ, अब रखो ऐसे देख रहा हूँ, अब ऐसा रखो तो ठीक है। क्या ऐसा होता है पकड़ गया जब तो क्या होगा भाई, ये मार आपके रुक गया पास को पाको। ये कब दिया था बच्चा इसका? 3 दिन का होगा। नाम पा आंटी कुंदुली भैरू ज़्यादा तो ये देख सकते हो, ये डॉग का बच्चों को सब बाइट करके 3 बच्चों को मार दिया। ये तुम भी देखो भाइयों, आप लोग देख रहे हैं कितनी दुखद घटना हुई है। यहाँ पर एक कोबरा ने 3 बच्चे को बाइट कर लिया और एक को निगल रहा था, लेकिन पूरा नहीं निगलने की वजह से वो आधा छोड़ दिया। तो घर के मालिक ने मिर्जा भाव को फोन करके बुलाया रेस्क्यू के लिए। पूरा इन बच्चों की माँ को बिलीव नहीं हो रहा है कि इनको कोबरा ने काट लिया गया हो, ये दुनिया में नहीं है। छोड़ा नहीं देखा ये मोर अलग बैठा है उसका सिचुएशन बड़ा दुख भरी काम जी सर, बहुत दुख लग रहा है जी। 3 बच्चों को मार दिया, एक बच्चा तो मार लेके चले गई। तो ये कोबरा सांप है, मेरे को देखना है, पहले भर्ती कर देता हूँ, इसको रेस्क्यू कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ। उसकी माँ को ले सही से देखा ले वो जो है अभी वो आप बच्चों बच्चों के लिए उठा उसको मैं नहीं उठा। कोई बात नहीं हुआ ना? वो तुम देखो, हमको नहीं देखा। पेपर आड़ दे रहे अच्छा ही आमा पका आ सुन इधर ओइचल मामा का भीतर छ का भीतर छ धर देख पेपर को पार तो थोड़ा सा देखना है इसका होता तो ये अब तक नहीं चेक करना है ना बाबू। मेरे को दे जाओ इसका कान को बाइट किया, हाँ ये दिखा तो कहाँ का बाइट किया, इसका कान बाइट किया। हाँ यहाँ पे खून निकल रहा है, यहाँ से खून निकल रहा है। इसका मुंह पे बाइट किया है, हाथ के पास इसका भी बाइट किया है, इसका पूरा निकल रहा है, इसका तो पूरा निकल रहा है। तू कहाँ से आ गया? आना करो खून डलवा कहाँ से आ गया बेटा? बोलो ये भी चुपचाप पड़ा है, नहीं तो अभी ये नहीं रहता इतना आदमी के अंदर। तो आप कैसे जाने कि डॉग को सांप बाइट कर रहा है? ये खसखस हुआ, उसका माँ था भीतर में निकल आया। ये बच्ची मेरे को 7 बजे फोन किया, अरे पापा जो कुत्ता बच्चा दिया था उसको सांप ये खा रहा है। मैं सोचा इसे मजाक में, ये मजाक मेरे साथ कर रहा है। मैं पहले गया उस कुत्ते बच्चे को निकालने के लिए, ये जब ये टीवी निकाला, पुराना टीवी था उसको निकाला तो देखा, मेरे को मालूम हो गया। मैं पहले देखा उसको गिर रहा था तो उसका फना क्या मेला वाला होगा तो मेरे को मालूम है कोबरा है। इनका तो सीन में हर टाइम देख रहा हूँ, मैं ये पिराड़ से लेके धामनगर तक सब कहाँ छोड़ रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, सब भी मेरा है मेरा पास। नागलोक बना दिया, भद्रक का नागलोक बना दिया पूरा। इसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद भारत का बन जाएगा। ये कौन सा जगह है? ये बागुरी। बागुरी तो आप जान सकते हैं, बागुरी भद्रक उड़ीसा, तो भद्रक डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहा है बागुरी, उड़ीसा स्टेज है। तो आपने देखा ये 3 डॉग को मार चुका ऑलरेडी बच्चा। एक कब जन्म दिया था बच्चे? कल। तो देख रहे हो माँ सोच रही है कि मेरा बच्चे का कुछ नहीं हुआ है, तो बड़े दुख निराशे से बैठी हुई। तो आप देख सकते हो, हम लोग को अफसोस लग रहा है, बड़ा दुख लग रहा है। तो किसी के कोस से उसका औलाद को कोई छीन लिया, तो वो जो था कोबरा स्नेक ने छीन लिया उसका औलाद। तो आप देख सकते हो कोबरा स्नेक बाइट कर लिया। तो इसको आप एक काम करो, इसको तो बाइट किया नहीं, पूरा चेक कर लिया हो गया, तो इसको थोड़ा सा हटा दीजिए उसके दूर से, ठीक है? नहीं, इसको खोद के ना सोचो, अभी वो उसको पकड़ के लेके जा रहा था, इसमें कोई पॉइजन उसका बड़ी अंदर में नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, सब कोई बात नहीं। देख ले इधर ना रे, इसको बिलीव नहीं हो रहा था कि वो तो सेकंड तो नहीं। ये सही में कोबरा नहीं होता तो मैं ही मार देता। जो जहाँ बैठा है ना मेरा, जहाँ बैठा है देखो, यहीं पे कोबरा है। सब हमारा घर में, घर का आदमी सब देखे हैं ये कोबरा है। मैं बोला धन्यवाद जो आप लोगों ने हमको फोन करके बुलाया भाई। देखो हम लोग फिर भी बहुत जल्दी आया, बहुत जल्दी। मैं पहले क्या पूछा, मैं आपको क्या पूछा, तुम घर में हो ना कहाँ पे हो, कि वो आपका टाइम नहीं है, आपका टाइम नहीं है। ये मेरे को जल्दी से कोई डॉग बच जाए, हम लोग आते वक्त ऑलरेडी 3 मर चुके हैं। वो मॉडर हुआ, मारा ना मारा, छाल बड़ा मुँह मत लगा भाई, उसका पास हुआ वो छाड़ी। अरे उसके लिए पूरा बनाया गया था, देखो जागा पूरा बनाया था। इसको टोटता पंडित बाबू जी, इसको बिलीव नहीं हो रहा है यार, इसका बच्चा गया है। बोले कोबरा भाई सर, किसी माँ को बिलीव नहीं होता सर, उसके बच्चे नहीं है दुनिया, चाहे इंसान के हो, चाहे पेट्स के हो, चाहे जानवर के हो। सर सीन देख रहा हूँ, मेरा घर में है उसका इलाज मेरा घर में डॉक्टर नेवला है। देखो बनाया था, कुत्ते रखने के लिए बनाया था, बच्चे बुला के, इसी के लिए मैं खोला उसको। Sad story, and nobody wants to see, especially puppies. My only thinking is like, you know, you can definitely see it's motherly love. Like she doesn't want to leave them by her side. She keeps bringing them back because she doesn't. I feel like she understands, but she's not ready to accept it. And so she keeps bringing them back to be with her, and she wants to stay with them. And it reminds me a lot of like when Anji doesn't feel good and she lays on the couch, Maya, our lab, who's like 95 pounds, takes over the other half of the couch and lays next to her and stays with her the whole time when Anji doesn't feel good and she's homesick. So animals know, and they know a lot more than we think they do. Dogs especially become your best friend and part of the family so easily. And but I know my husband said it was such a hard, there's a lot of street dogs in India, and maybe it's different, you guys can let us know, because it's been a long time that he hasn't been to India, and so hopefully maybe people are taking more of them in as more like pets like we have here, or you know, taking care of them. But this didn't have any English translations, and it seemed like these people were really concerned. And so I don't know if she was like their pet, or if she was just kind of living outside their house and they were maybe feeding her. And so when they saw the snake and the puppies, they were concerned. but they seemed like they wanted to help. And the fact that they caught that snake, A, scares me because I'm not a fan of snakes that are venomous. And we've had some in our backyard. We have some, yeah. Not venomous ones. Black ones. Yeah, more like garden snakes. Yeah. But we haven't seen any in a while. And no. The Which area does have rattlesnakes. So similar, not the venom of a cobra, but definitely a venomous snake. So we hope we never encounter them for the children's sake and or the dog's sake. For everybody's sake. Yeah, we're not a fan, but I think my husband would have killed it if it bit the dog or the kids, and just because instinct. So they were very nice that they took it and maybe brought it somewhere else, which really does show a lot about the culture too, and you know, kind of being one with nature and respecting the animals as much as you respect yourself is kind of what we've learned a lot in this channel. And Daddy used to tell us stories about being at IIT in Mumbai, and outside the gates there was a river. Yeah, a river. I think it was a river, he was saying, and you would see the panthers and tigers come down to the water and drink, and sometimes they would swim across and eat some of the dogs, street dogs. But it was like part of, you know, he didn't think twice about it if he had to walk through the forest to get back to school. And, you know, quite a different from here in the U.S. So, yeah. Hopefully you guys can let us know that maybe the street dog issue isn't such like it used to be. And people are maybe taking them in a little bit more and taking care of them like family, like we do. But if not, maybe that's something that needs to be addressed. Yeah. So things like this, poor little puppies, innocent puppies, don't die. But I hope you guys liked a response to this video, even though it was a sad video to watch. And don't forget to click that like button. And subscribe. To our wonderful family. And we'll see you tomorrow. Bye. Bye.